हेलो वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे देश की यात्रा पर चलेंगे जो कि सबसे अलग है, जिसका धर्मनिरपेक्ष माहौल देखकर भारत के डिजाइनर, बुद्धिजीवी और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोगों को आत्मग्लान महसूस होगी। और इस देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बाहुल देश है जिसमें 90% मुस्लिम और लगभग 2% हिंदू हैं। कट्टरपंथी और हिंसक विचारधारा वाले लोगों को जानकर झटका लग सकता है कि इंडोनेशिया के लोग रामायण और महाभारत को अपनी संस्कृति का अहम हिस्सा मानते हैं। रामायण के नाम से इंडोनेशिया के पदांग सिटी में एक शॉपिंग मॉल भी है। जहाँ तक यहाँ की रहन सहन की बात करें तो यहाँ के लोग बहुत ही खुले मिजाज के होते हैं। यहाँ सेक्स एक नॉर्मल बात है, इसकी जानकारी भी वीडियो के लास्ट तक में आसानी से मिल जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय चिन्ह भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ पक्षी से लिया गया है। यहाँ की नेशनल एयरलाइंस का नाम गरुड़ इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियन रुपया है। यहाँ की 20,000 रुपए की नोट पर भगवान श्री गणेश की फोटो है। बाली में एक गुफा मंदिर है जिसमें 3 शिवलिंग हैं। 1995 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ये गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। वैसे तो पूरे इंडोनेशिया में 90% मुस्लिम हैं और लगभग 2% हिंदू हैं, लेकिन जब बाली की बात आती है तो बाली में हिंदू मुस्लिम की अपेक्षा ज़्यादा हैं। एक ऐसी सिटी है, एक ऐसा मुस्लिम देश के अंदर एक ऐसी सिटी है जहां पर मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदू हैं, उसका नाम है बाली। बाली का जो नया साल है वो शक संबत पंचांग से तय होता है, जो चंद्रमा की गति पर आधारित है। शक राजवंश की स्थापना 78वीं ईस्वी में भारतीय राजा कनिष्क ने की थी। हिंदू धर्म प्रचारक इसे लेकर जावा पहुँचे थे और वहाँ से यह बाली पहुँचा। 7वीं सदी में व्यापार के कारण इंडोनेशिया में श्रीविजय साम्राज्य पनपा। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हाल ही में इंडोनेशिया का श्रीविजय प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया है। इस एयरलाइंस का नाम भी श्रीविजय साम्राज्य के नाम से ही रखा गया था। 13वीं शताब्दी में माजापाहित साम्राज्य यहाँ बहुत फूला फाला, जिससे यहाँ की संस्कृति और भाषा पर हिंदू सांस्कृतिक और हिंदी भाषा के चिन्ह मिलते हैं। इस देश की एक और विशेष बात है कि ये मुस्लिम होते हुए भी यहाँ के लड़के और लड़कियों का नाम देबा, देवी, प्रिया, प्रीति, नीलू, ये सब नाम रखा जाता है। इंडोनेशिया की किसी भी सिटी में, जैसा कि जकार्ता, बाली, पदांग, जावा, इन किसी भी सिटी में जाओगे तो हर जगह मसाज सेंटर एंड स्पा सेंटर एंड पार्लर हैं, और इन सेंटर में जाकर आप सब कुछ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सेक्स। लगभग 2000 इंडियन रुपीज में आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर लोग बॉलीवुड मूवीज देखना बहुत ही पसंद करते हैं और उन्हें हिंदी सॉन्ग भी बहुत पसंद है। यहाँ की हर लड़की शाहरुख खान और सलमान खान की बहुत बड़ी फैन होती है। यहाँ के लोग बॉलीवुड के इतने फैन हैं कि ये लगभग सारी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में ही देखते हैं। ये लोग फेमस हिंदी वाक्यों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप वीडियो को देखते देखते लास्ट तक आ गए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर प्रेस कर देना, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।